झूठ बोले और एक झूठ छुपाने के लिए तो और एक झूठ बोला सर से पांव तक सिर्फ झूठा है। हाँ मैंने झूठ बोला मैंने, पर गलती तुम्हारी है जो तुमने मेरे झूठ पर विश्वास किया। तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, धोखेबाज, बकवास। तू जानता था साजिनी अटैक करने वाली है। तेरी वजह से हम तो मैंने मरने वाली थी। तेरी वजह से मैं साजिनी बनी। तेरी वजह से। फिर भी तुमने एक बार नहीं, मेरे कहने पर बार बार अपनी जान दांव पे लगाई। आओ, एक बार फिर अपनी जान दांव पे लगा लो आखिरी बार। कितनी बड़ी मूर्ख हो तुम। तुम्हें मुझ पे शुरू से ही शक था, लेकिन मैं लाइन क्या मार देता कि मुझे ये रिश्ता निभाना है। तुम तो मक्खन की तरह पिघल जाती। इसे कहते हैं गजब की तलवार, लेकिन धार बेकार। मेरे लिए रो रही हो, मुझसे बहुत प्यार करती हो, तीज का व्रत रखा था मेरे लिए। भला है या बुरा है, पति को देवता बनाना है। तूने मैं मूर्ख हूँ, मेरे पे शक्ति नहीं है, मैं बिना शक्ति के तेरे साथ लड़ नहीं सकती। कमजोर हूँ मैं। अब देख खुद को, क्या हालत बनाई मैंने तेरी। क्या हुआ तेरी शक्ति को भी? हाँ बोल, क्या कहा था तूने? हम इंसान बेवकूफ है, हम लोगों की जान बचाते हैं, तो क्या है? हाँ, ना इंसान है ना जानवर है, ना इधर का ना उधर का, तेरी जिंदगी नरक है, क्या है तू? अगर एक और शब्द भी बोला ना। देख खुद को, क्या नहीं था तेरे पास? इतनी अच्छी फैमिली, इतनी प्यार करने वाली माँ थी, जान से रखने वाला भाई था, और मैं एक नंबर की बेवकूफ है तू। किसी का विश्वास करना बेवकूफी नहीं होता है शिकार, किसी को प्यार करना उसके लिए जीना मरना बेवकूफी नहीं होता है। लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी हालत क्या है, ना इधर के हो ना उधर के हो, कोई तुम्हारा नहीं और तुम किसी के भी नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पावर्स ये मुझे पावर्स, किसी की जान जाती है तो जाए। क्या करते तू पावर्स का? ये सब गंदे काम करता, मासूम बच्चों को मारता, बॉम्ब ब्लास्ट करता। तो क्या बोल रही थी? तो यकीन नहीं होता कि तुमने मुझ जैसे जानवर से कैसे प्यार कर लिया। हाँ बताओ ना कैसे कर लिया, बताओ। मैं ये तो नहीं जानती, पर ये जानती हूँ क्या करना है। क्या करोगी? किया तुम, मैंने तुम्हें बर्बाद, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी शक्तियाँ सब बर्बाद कर दी मैंने। तुम क्या जानती हो तुम क्या करोगी? ये तुम नहीं, मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ। अब तुम्हें सिर्फ मरना है, मरना है। एक बार ये सारे टेंशन, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना, मैं इस रिश्ते को, इस शादी को एक और चांस देना चाहती हूँ।
चाची आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। अभी आप जाइए, हाँ मैं सब संभाल लूंगा, प्लीज ध्यान से। जीजू बात सुनो, दिव्या का पता चला क्या? रोमी दिव्या की फिक्र मत कर, उसके पास तेरा दिया हुआ तावीज है, उसके पास रहस्य तारा है, और हाँ दिव्या खुद भी शक्तिशाली है, उसे कुछ नहीं होगा। तू बेटा ध्यान से, हाँ चलो चलो चलिए, आइए आइए प्लीज आराम से, चलिए चलिए। दिव्या 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 तुम ठीक हो? हाँ ये इतनी चोटें कैसे लगी? दिव्या क्या हुआ? दिव्या मुझे जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मार डालो मेरे